अंबिकापुर से खबर है जहां पर सरगुजा के भाजपा कार्यालय में किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष पवन साहू ने धान खरीदी तमाम मुद्दों को लेकर प्रेस वार्ता आयोजित की। इस दौरान आने वाले समय में धान खरीदी के दौरान किसानों को होने वाली परेशानी को लेकर प्रदेश सरकार को आगाह किया। सरगुजा पहुंचे एक दिवसीय दौरे पर किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष पवन साहू ने आज पत्रकार वार्ता में कहा कि उन्होंने प्रदेश सरकार की धान खरीदी में होने वाली परेशानियों को लेकर प्रदेश सरकार को कटघरे में खड़ा किया और आरोप लगाया कि दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में सरकार की कोई व्यवस्था नहीं है जिससे वह अच्छी तरीके से किसानों की धान खरीदी कर सके। साहू ने यह भी कहा कि सरगुजा जिले के 724 किसानों का पंजीयन शून्य हो गया है जिसको लेकर जिला प्रशासन से मांग की गई है। जहां जहां रेलवे का रेक पॉइंट्स है, जहां बारदाने रेक पॉइंट्स के माध्यम से खाली होते हैं, वहां से 50-60 किलोमीटर तक बारदाना का वितरण हुआ है, बहुत अच्छे से हुआ है। और जहां दुरुस्त अंचल है, वनांचल है, बहुत दूर है, जहां आप लोगों की भी पैनी नजर नहीं पड़ पा रही है या हम लोगों की भी पैनी नजर शायद नहीं पड़ पा रही, ऐसे क्षेत्रों पर क्योंकि मेरे भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के पूरे 406 मंडल में सभी मंडल का गठन हुआ है, इसलिए मोर्चा के सभी मंडल के कार्यकर्ता मुझसे जुड़े हुए रहते हैं।